हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको दोनों कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और थ्योरी भी आता है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो देखिएगा, हम पहले क्या करते हैं कि इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद हम लोग प्रूफ देख लेंगे। क्योंकि CBSE की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर प्रूफ पूछा जाता है कि किस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए, ज़ूम कर लेते हैं कि कोई रेजिस्टेंस है R1, सेम जिस तरीके से हम उसमें किए थे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ज़ूम करेंगे रेजिस्टेंस। ये क्या है, R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप और भी ले सकते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 का इनिशियल एंड कौन सा है, ये वाला है, और लास्ट एंड या फिर फाइनल एंड बोले, जो भी बोले, ये है। और इसका ये पॉइंट क्या है, R2 का इनिशियल एंड है, और R2 का फाइनल एंड या लास्ट एंड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो आप अब हम लोग क्या करेंगे, हम सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखे थे कि एंड टू एंड कनेक्ट होता था, मतलब एक का लास्ट एंड, एक रेजिस्टेंस का लास्ट एंड और सेकेंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम लोग करते हैं वो देखते हैं। देखिएगा, दोनों का इनिशियल इंड क्या होता है, सेम होता है, और दोनों का फाइनल इंड सेम होगा। इस तरीके से हमको क्या करना, कॉम्बिनेशन करना। तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, देखिएगा, ये कॉम्बिनेशन हम करते हैं, ठीक। देखिएगा, ये R1 है और ये R2 है। देखिए, आपको अगर मैं बात करूं इस रेजिस्टेंस R1 की बात करूं तो R1 का इनिशियल इंड क्या है, ये पॉइंट है, और R2 का भी इनिशियल इंड क्या है, सेम है दोनों का, और फाइनल इंड लास्ट इंड दोनों का देखें तो दोनों का सेम है, ठीक है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वायर मतलब इस तरीके से क्यों आप कर दिए, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी वही है, हमको बस देखना है इंड कि कौन इंड कहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से क्या देखें कि ये दोनों क्या है, अब ये कनेक्शन कैसा हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं वो देखिएगा। यहाँ पे हम लोग वहाँ पे आर इक्विवेलेंट या आर ए बी लेते थे, इसको भी हम लोग ए बी मान लेते हैं, यानी आर ए बी का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, हम इसको इस तरीके से निकालते हैं, 1/RAB, ध्यान दीजिएगा, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी काम करते हैं सीधे उल्टा करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2, ठीक। वहाँ पे क्या करते थे, सिर्फ आर ए बी लिख देते थे और R1 + R2 लिख देते थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका उल्टा, 1/ के साथ सभी होता है, ठीक। तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, 1 RAB, LCM ले लीजिए, R1 R2, R1 डिवाइड करेंगे तो R2 बचेगा, तो यहाँ पे R2 और यहाँ पे R1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R equivalent = क्या आ जाएगा, R1 + R2
अपॉन आर वन इंटू आर टू, ठीक है। इसको एक्सचेंज कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसको क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, इसको जब उलटे तो ये भी उलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। किस केस का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। तो आप समझ गए होंगे, मतलब अब देखिए ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों फिगर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब ये देखिएगा, जब कंबाइन हो गया तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन हो गया इसका, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका फाइनल क्या आया, कुछ इस तरीके से आ गया। इसी को हम लोग क्या बोले, आर ए बी नाम दिए, ठीक है। और आर ए बी क्या है, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन को आप डायरेक्टली, अगर दो रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई ऊपर रखेंगे और नीचे डिवाइड में कर देंगे दोनों का सम, ठीक है। बाकी आपका प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो आप इस प्रोसेस से कीजिएगा तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग देखेंगे इस पर, क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी हम लोग इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि प्रूफ करने के बाद क्या आ रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख दें कि ये जब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया, आर ए बी का जो वैल्यू आया वो एक बन गया, और उस एक रेजिस्टेंस जो बना ये दोनों कंबाइन होकर, उसका वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब हम इसी को प्रूफ करते हैं, जिस तरीके से हम सर्किट डायग्राम से वहाँ पे किए थे, सेम टू सेम यहाँ भी करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा, एक सर्किट लेते हैं, इसमें क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं, आप जितना रेजिस्टेंस को लेकर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, सभी में क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ठीक, इसको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिया। अब देखिएगा, जो भी कनेक्शन अब यहाँ पे किए हैं, तो रेजिस्टेंस कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये वोल्टेज है, ये प्लस है, ये माइनस है, करंट इस तरह से फ्लो होगा प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। इसको आर वन मान लेते हैं, इसको आर टू मान लेते हैं, और इसको आर थ्री मान लेते हैं। यहाँ से करंट क्या गया, आ ही गया। अब देखिएगा, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए भी यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कुछ, उससे आप लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब उससे कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखिए, यहाँ से आई गया, यहाँ गया तो यहाँ तीन रास्ता मिला, ठीक है। पहुँचना कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करें, जब यहाँ पे करंट पहुँचा, देखिए तीन रास्ता मिला। अब तीन रास्ता मिला मतलब करंट बट गया, इधर जाएगा कुछ, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, ठीक है। जहाँ करंट डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिस सर्किट में, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसको ज़ूम कर लेते हैं कि I1 है और ये I2 है और ये क्या है, I3 है, ठीक। तो यहाँ से पहला पॉइंट मेरे को ये लगा, ठीक है, कि द सम ऑफ, देखिएगा किस तरीके से, और ये जो तीनों डिवाइड हुआ, ये तीनों डिवाइड हुआ, और अगर ये तीनों कहाँ से आया, तो यही आई से ना डिवाइड हुआ, मतलब ये आई डिवाइड हो गया, बट गया, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि द सम ऑफ आई वन आई टू एंड आई थ्री इज इक्वल टू द, किसका इक्वल होगा, सर्किट ऑफ द करेंट, ठीक है, सर्किट ऑफ द करेंट, ठीक है। सर्किट ऑफ द करेंट मतलब आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, आई आई के बराबर होगा, ठीक। अब देखिएगा, यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। ये पहला मिला। दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, यहाँ जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सभी क्या होगा, सेम होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस लिख देते हैं, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस में क्या है, सेम है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस आर सेम, क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। मतलब जितना पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस को आप लोग वोल्टेज भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वोल्टेज R3 के अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज रहेगा, R2 के अक्रॉस भी उतना ही, और R1 के अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो अब बताइए, अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। किसके लॉ, कौन सा लॉ के थ्रू, ओम्स लॉ के थ्रू। क्या होता है ओम्स लॉ हमारा, वी इक्वल टू IR होता है, ठीक है, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। देखिएगा इसी से हम लोग यूज़ करके बनाएंगे, क्योंकि I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, I1 पता है इसमें करंट कितना जा रहा, I1, रेजिस्टेंस क्या है R1, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना हो जाएगा, भी, क्योंकि सभी के अक्रॉस कितना है, भी ही पोटेंशियल है। तो हम इसको लिखते हैं, वी तो होगा सभी के लिए कॉमन है, रेजिस्टेंस I1 में क्या है, R1 है, तो इसको R1 लिख लेते हैं उस तरीके से। ये इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, I2 सेम उसी तरीके से, वी पोटेंशियल, नीचे क्या हो जाएगा R2। ये कहाँ से लाए, क्योंकि देखिए ये दो चीज़ मालूम होना चाहिए, तभी आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक। तो ये आ गया हमारा I2, I3 क्या आ जाएगा, देखिएगा I3 आ जाएगा V अपॉन R3, क्योंकि सभी के अक्रॉस वोल्टेज क्या सेम है, R2, R1, R3 सभी के अक्रॉस क्या है, सेम है, और I3 निकाल रहे हैं, मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है। ओम्स लॉ के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए, और जो हमको निकालना रहेगा वो वैल्यू हमारा दिया हुआ रहेगा, तो हम निकाल लेंगे। तो सभी यहाँ पे दिया हुआ, वोल्टेज इसके अक्रॉस V, करंट I3, रेजिस्टेंस R3, तो हम यहाँ से I3 निकाल लिए, ठीक है। तो सभी को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ठीक। अब देखिएगा क्या करते हैं, सभी को क्या करते हैं, ये ऐसा करते हैं ना, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, और इसको 4 ले लेते हैं, और इसको 1 ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन किस में, 1 में, तो क्या आएगा, देखिएगा I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 आएगा, ठीक है। और I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जनरल टर्म की बात करें, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R लिख सकते हैं, ठीक है। तो I इक्वल टू हम यहाँ से लिख देते हैं V अपॉन R, ये होता है, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से सभी V कॉमन है, V को बाहर कर लेते हैं, तो क्या जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V कॉमन ले लिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमारा क्या आया, 1 अपॉन ये जो R आया ना, इसी को हम लोग रिजल्टेंट बोले, या फिर RAB बोले, या फिर R इक्विवेलेंट बोले। तो ये क्या वैल्यू आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा रिजल्टेंट या फिर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हम यही बात आपको बताए थे कि क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीधे उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का सीधे उल्टा होता है। तो ये उल्टा कैसे हुआ, हम लोग सर्किट से देख लिए और समझ भी लिए, ठीक है। तो ये डिराइवेशन आता है आप लोगों को CBSE के एग्ज़ाम में, ठीक है, बहुत बार पूछ चुका है। तो अब यहाँ से हम एक और समझते हैं, ठीक है।
पिछली क्लास में भी बताए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग घरों में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्या वजह था वो भी बताए, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। अगर सीरीज में हम बहुत सारा बल्ब लगा लिए, मतलब एक ही स्विच से बहुत बल्ब यूज़ कर रहे हैं, मैं अभी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही बल्ब, एक ही सर्किट में, मतलब एक ही स्विच से हम 5 बल्ब जला रहे हैं, अगर उसमें से एक बल्ब भी खराब हो जाएगा तो वो 4 बल्ब हमारा नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉबैक हुआ ना, ठीक है। इसलिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, क्यों ये भी आप समझिएगा, ठीक है। ये ऐसे समझिएगा कि यहाँ से करंट गया तो करंट क्या हो गया, बट गया, लेकिन वोल्टेज क्या है, सेम है। अब यहाँ से देखिएगा आप, अब इसको समझ लीजिएगा क्या है, ये बल्ब है, कैसा है, बल्ब है ये। R2 भी क्या है, दूसरा बल्ब है। R3 क्या है, तीसरा बल्ब। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बल्ब लगा हुआ है, एक फैन लगा हुआ है, और एक फ्रिज टीवी जो भी लगा हुआ वो लगा हुआ है, ठीक। अब आप बताइए तीनों को, ये आप समझिए कि ये जो लाइन है ना, ये आपका पोल से लाइन जा रहा है। कहाँ से जा रहा, पोल से लाइन जा रहा, जो घर के बाहर पोल लगा रहता वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से क्या गया, आई गया। अब हमारे घर में कनेक्शन कैसा, पैरेलल है, हम बेनिफिट बता रहे हैं पैरेलल का। तो देखिएगा अगर हम लोगों के घर में क्या रहता है कि अगर स्विच लगा रहता सेपरेटली, सभी अप्लियंसेस में सेपरेटली स्विच लगा रहता, अगर बल्ब है तो उसका अलग स्विच है। तो देखिएगा अगर यहाँ पे इसी तरीके से हमारा स्विच लगा रहता, देखिएगा ये स्विच हो गया हमारा किसके लिए, R3 के लिए। R3 क्या है, जो भी अप्लियंसेस आप यूज़ किए हैं, बल्ब किए हैं या फैन किए हैं, जो भी है। और यहाँ पे कौन सा रहता है, ठीक है, यहाँ दूसरा स्विच रहता है आपका, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है, तीसरा स्विच रहता है। तीसरा स्विच मतलब तीसरा जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज टीवी जो भी कर रहे हैं, सभी के लिए अलग अलग स्विच होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर हमको मन किया कि नहीं अभी हमको फैन नहीं चलाना है, तो इसको हम बंद कर दिए, बाकी दोनों तो चलेगा। तो देखिए दोनों तो यहाँ से जा ही रहा है, यहाँ से जब करंट गया तो सिर्फ अगर इसको हम ऑफ कर दिए, ओपन, मतलब जब इसमें सट जाएगा ना ये, तो ओपन हो जाएगा, और ये जब अलग रहेगा तो ऑफ रहेगा। यहाँ पे स्विच का मतलब ऐसे समझिएगा, ठीक है, मतलब जो भी स्विच आप घर में यूज़ करते हैं, जब ऑफ करते हैं तो सर्किट से अलग हो जाता है, तब वो बंद हो जाता है, ठीक। तो यहाँ देखिए जब हम इसको बंद कर दिए, और अगर हम ये दोनों R1 और R2 को ऑन रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आई गया, तो आई क्या गया, यही दो में जाएगा, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में करंट नहीं जाता, मतलब ये बंद है। तो हमारा क्या हुआ कि जिसको इच्छा किया उसको हम बंद किए, जिसको इच्छा किया हम उसको ऑफ किए। तो इसमें क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग सेपरेटली स्विच लगा सकते हैं, और हमारे घर का जो कनेक्शन होता है उसमें पैरेलल ही होता है, इसलिए हम लोग हर एक अप्लायंसेस, बल्ब, फैन, टीवी, सभी के लिए क्या करते हैं, अलग अलग स्विच रखते हैं, ठीक है। तो पैरेलल का आपको बेनिफिट पता चल गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें तो सभी को वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। टीवी को हमको उतना ही मिलेगा, बल्ब का उतना ही मिलेगा, फैन को उतना ही मिलेगा, सभी का क्या मिलेगा, वोल्टेज सेम मिलेगा, ठीक है। जब सेम मिलेगा तो फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग सीरीज और कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल इसके ऊपर बता देते हैं, ठीक है। देखिए दोनों को फिगर बनाकर आपको बता देते हैं, सीरीज और पैरेलल के केस में, ठीक है। आप ये जूम कर लीजिए, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ बल्ब की तरह हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये बल्ब लगा हुआ है, ये दूसरा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, बस दो ही से आप समझिए। और यहाँ पे क्या है, सीरीज कनेक्शन है, क्या है, सीरीज कनेक्शन है, एक बल्ब लगा हुआ है और दूसरा बल्ब लगा हुआ, ऐसे समझिएगा, ठीक। करंट जा रहा है यहाँ पे भी और करंट जा रहा है यहाँ पे, यहाँ स्विच लगा देते हैं, ठीक, और यहाँ भी स्विच लगा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। सभी के दोनों के लिए सेपरेट स्विच यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर हमको इसको ऑन करना है तो इसको क्या कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। इसमें हम कितना स्विच लगा सकते हैं, एक ही लगा सकते हैं, ठीक है,
अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमको कोई एक बल्ब, इसको लिख लेते हैं B1, मतलब बल्ब पहला और बल्ब दूसरा, इसको भी 1 और 2, ठीक V है, यहाँ भी V है, ये I है और ये भी I है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, आप क्या देखिएगा कि अगर हमको बल्ब 1 को जलाने का इच्छा किया तो हम इसको क्या कर दिए, ऑन कर दिए, मतलब कैसा कर दिया, ऐसा कनेक्ट कर दिए, देखिए तो बल्ब 1 हमारा जलने लगा। अभी हम बल्ब 2 को नहीं जलाना चाह रहे हैं तो इसको ओपन रखें, स्विच नहीं ऑन किए। इस केस की बात करें, देखिएगा अगर हम चाहते हैं कि बल्ब 1 जले बल्ब 2 नहीं जले, तो जब ये यहाँ क्लोज होगा, ठीक है, इस तरीके से जब ये बंद होगा मतलब स्विच ऑन होगा, तो हमारा करंट तो दोनों में जाएगा ना, और जब दोनों में जाएगा तो दोनों जलेगा। हम क्या चाह रहे हैं कि एक ही जले, ठीक है, एक ही जले, तो इसलिए ये कनेक्शन हम लोग घरों में यूज़ नहीं करते हैं। ये कनेक्शन देखते बात आती है कि कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप देखते होंगे कि शादी वगैरह में जो लाइट यूज़ करते हैं ना सजाने के लिए, उसमें हम लोग सीरीज़ कनेक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा घरों में कौन कनेक्शन रहता है, पैरेलल कनेक्शन रहता है। एक बात और याद रखिएगा, सभी को यहाँ वोल्टेज क्या मिला, सेम मिला। इस केस की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा कि इसका रेजिस्टेंस अगर कुछ रहेगा, दोनों का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा। अब यहाँ से कुछ वोल्टेज जा रहा तो इसमें जो भी खपत होगा, खपत होने के बाद जो मिलेगा वही ना इसको मिलेगा, तो इसको क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम मिल जाएगा। और वोल्टेज जब कम मिलेगा तो लाइट उतना नहीं करेगा, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा सभी को सेम मिल रहा, तो सभी प्रॉपर वे में वर्क कर रहा। लेकिन इस केस की बात करें तो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में बट जाएगा। अगर यहाँ भी मान लेते हैं कि 10 वोल्ट का है और यहाँ भी 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और मान लेते हैं कि यहाँ B1 का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है और ये 3 ओम है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 2 ओम का है और ये भी 3 ओम का है, समझिएगा। तो यहाँ वोल्टेज दोनों बल्ब को कितना मिला, 10 ही वोल्ट मिला। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखिएगा यहाँ पे अगर हम पूरा करंट निकालना चाहें तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 ओम, 2 एम्पियर यहाँ पे फ्लो करेगा, तो 2 2 जा 4, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट यूज हो जाएगा, उसके बाद 6 वोल्ट इसको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज डिवाइड हो गया, और जब वोल्टेज डिवाइड हो गया तो लाइट में डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, ठीक। इसलिए हम लोग ये कनेक्शन घरों में सीरीज कनेक्शन नहीं करते हैं। इसको लिख लीजिएगा सीरीज कनेक्शन, ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है, और ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक। तो ये हम लोग डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं अपने घरों में। एक बात और यहाँ से देख लीजिएगा, हम लोग अमीटर और वोल्ट मीटर की बात कर लेते हैं। अमीटर और वोल्ट मीटर कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो अमीटर सीरीज में यूज़ करते हैं। तो सीरीज में कहाँ पर लगा सकते हैं अमीटर, देखिएगा करंट हमको मेजर करना है तो हम यहाँ पर लगा देते हैं अमीटर, ठीक है। ये क्या अमीटर है, ए लिख दीजिए, अमीटर है, इसमें क्या करंट फ्लो रहा तो ये मेज़र कर देगा। अमीटर को कहाँ लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं अगर हमको इसका ज़रूरत पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो यहाँ देखिए पैरेलल है कनेक्शन, तो ये वोल्ट मीटर हमको क्या बता देगा कि क्या इसके अक्रॉस वोल्टेज है और क्या इसके अक्रॉस वोल्टेज है, बता देगा। यहाँ की बात करें तो किस तरीके से वोल्ट मीटर लगाएंगे, देखिएगा अगर हमको B2 का चाहिए वोल्टेज कितना है तो B2 के पैरेलल में लगा दिए, ठीक है, वोल्ट मीटर, इसमें चाहिए तो इसमें लगा देंगे, मतलब पैरेलल में वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्शन होता है और कनेक्टेड होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। और अमीटर कहाँ पे कनेक्टेड रहता है, तो वो सीरीज में कनेक्टेड रहता है करंट को मेजर करने के लिए। यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, ये भी सीरीज है, तो यहाँ पे भी करंट अगर मेजर करना, तो कहीं क्वेश्चन में इस तरीके से भी आपका लिखा रहेगा, तो इसमें कितना करंट मेजर किया, 2 एम्पियर, ठीक। अब हम इस पर एक क्वेश्चन बता देते हैं, इस पे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, इस पे तो हम ऑलरेडी आप लोगों को होमवर्क दे चुके हैं, ठीक है। हम एक क्वेश्चन बता देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से करंट निकालते हैं, क्योंकि करंट ही वहां पे निकालते हैं, वोल्टेज तो सेम होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, पहले ये है, इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक,
एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक और आपका इच्छा करे तो एक और जोड़ दीजिए, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं 36 वोल्ट का, ठीक है, और इसको ले लेते हैं 3 ओम, और ये 6 ओम, और ये 12 ओम का, ठीक है। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, और इसको R3 मान लेते हैं। यहाँ से करंट गया। करंट सबसे पहले कैसे मेज़र करेंगे आप समझिएगा, आपको क्या मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस में क्या सेम है। मतलब मैं R1 की बात करूँ, इस कनेक्शन की बात करूँ, यहाँ से मान लेते हैं कि I1 फ्लो हुआ, और यहाँ पे I2 फ्लो हुआ, और यहाँ पे I3 फ्लो हुआ। अगर मेरे को I1 मालूम चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा देखिएगा। पहले हम इस वाले में बात करते हैं, ऊपर वाले R1 वाले में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। R1 का वैल्यू दिया हुआ 3 ओम, वोल्टेज हमको पता ही है कि सभी में क्या है सेम है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 36 वोल्ट। अब यहाँ से I1 वैल्यू क्या आ जाएगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, तो I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V कितना है 36/3, मतलब 12 एम्पियर। ठीक, समझ गए आप, ये हो गया। अब देखते हैं हम I2 का वैल्यू निकालते हैं, सेम इसी तरीके से हम देखेंगे I2 में क्या क्या दिया हुआ है। तो V मेरे को पता है, डायरेक्टली यहाँ पे बता रहे हैं 36 V पता है। R2 कितना है 6, मतलब 6 कितना हो गया 6 एम्पियर आ गया, ठीक है I2 का। और I3 कितना आया देखिएगा, सेम वोल्टेज क्या है सेम है, I3 में रेजिस्टेंस कितना है 12, मतलब 36/12 कितना आ गया 3 एम्पियर। ठीक, तो टोटल कितना एम्पियर आया, टोटल की बात करें, मतलब यहाँ हम I की बात करें, I अगर मेरे को फाइंड करना रहे, अगर I1 I2 I3 कहेगा तो आप इतना करके छोड़ दीजिएगा, ठीक। लेकिन I का वैल्यू अगर पूछे कि ये I क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये तीनों यहीं से गया होगा, तो ये I का वैल्यू क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 जो अभी हम लोग देखे, I3 क्या आ जाएगा हमारा I का वैल्यू, देख लीजिए 12 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा आई का वैल्यू 21 एम्पियर। ठीक, समझ गए। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ये बताए थे, क्योंकि करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कौन, रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम। तो आप यहाँ से देख लीजिए, R3 में रेजिस्टेंस ज़्यादा था, तो R3 में कितना आया, मतलब R3 वाला सर्किट में हमारा करंट क्या आया, कम आया। R2 6 था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आ गया 6 एम्पियर आ गया, और सबसे कम था R1 में, ठीक है, फर्स्ट वाले में, तो इसमें कितना करंट आ गया 12, यानी जिसमें कम रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा करंट। ठीक, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। और सीरीज पैरेलल का एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का कनेक्शन हो, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको दे भी देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कुछ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी आता है, ये भी क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक बता देते हैं, जिसमें क्या रहेगा, ये ए है और ये बी है, आपका ये दिया हुआ है 6 ओम, ये भी 6 ओम, 3 ओम ले लेते हैं, ठीक है, ये 2 ओम और ये 3 ओम। अब आपसे पूछा कि RAB क्या होगा, अब यहाँ से देखें समझिएगा, कैसे समझेंगे कि कौन सीरीज और कौन पैरेलल। यहाँ से I को दौड़ा दिए, ठीक है, दौड़ा दिए, या फिर आप खुद दौड़ जाइए, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए, कहीं रास्ता नहीं मिला, एक रेजिस्टेंस पार किए, दूसरा पार किए, रास्ता नहीं मिला, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में। यहाँ आए, दो रास्ता मिल गया, ठीक है, हमको कहाँ जाना है, बी जाना है, दोनों रास्ते से हम वहीं पे पहुँच रहे हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या चीज़ में, पैरेलल में। तो सेम पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, 1/6, इसको मान लेते हैं कि कुछ भी मान ले, RA मान लेते हैं, ठीक है, RA ना मानते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, R4 मान लेते हैं, अगर माने R5 मान लीजिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो इसको 5 मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग, 1/6 + 1/3, ठीक, क्या आया वैल्यू,
आर फाइव का, वन अपॉन आर फाइव का एल सी एम कितना आ जाएगा, सिक्स। ये क्या आ जाएगा, वन प्लस टू। आर फाइव का वैल्यू क्या आ गया, वन अपॉन आर फाइव का थ्री अपॉन सिक्स, यानी वन बाई टू। आर फाइव का वैल्यू क्या आ गया, टू आ गया। ठीक, अब देखिए कनेक्शन किसे, ये दोनों सीरीज में, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिए। ये दोनों क्या चीज़ में, सीरीज में। आप ये पता कर लेंगे, और ये क्या चीज़ में, पैरेलल में। ठीक है, अगर आप ये पता कर लेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनकर क्या, ये क्या बना, ये थ्री और टू फाइव बन गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि आर सिक्स है। ठीक, तो अब क्या होगा, देखिएगा ये सीरीज, ये बनेगा, ये क्या बना, 5 ओम बना, और ये पैरेलल कनेक्शन कितना बना, 2 ओम बना। ठीक है, ये 2 ओम बना। अब ये देखिए आर ए बी आप निकाल लीजिए, आर ए बी क्या जाएगा, आर ए बी 5 प्लस 2। अब ये दोनों क्या चीज़ में, सीरीज में है, तो ये क्या आ गया, 7 ओम। यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसा भी दे देगा, ठीक है, कि इसमें सिर्फ आप इक्विवेलेंट या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताइए या फिर आर ए बी बताइए। तो पैरेलल और सीरीज़ का कॉम्बिनेशन दोनों दिया हुआ रहेगा, तो किस तरीके से हम बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, इसमें आप R5 R6 इसीलिए लिए क्योंकि आप इसको R1 R2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। R2 हो गया, इसको R3 मान लेते हैं, और इसको R4 मान लेते हैं, इसीलिए हम 5 और 6 माने। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। इस पर एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हाँ, तो देखिए आप लोग कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, घर से इसको बनाइएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेम सिमिलर क्वेश्चन है, जिस तरीके से आप लोगों को जनरल टर्म बताए कि आर ए बी कैसे निकालते हैं पैरेलल कनेक्शन में, उसी तरीके के यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, बैटरी 40 वोल्ट से लगा हुआ है, यहाँ मीटर लगा हुआ है सीरीज में, आई वन आई टू आई थ्री बताना है, आर वन का वैल्यू 5 ओम दिया हुआ, आर टू का 10 ओम दिया हुआ, आर थ्री का 20 ओम दिया हुआ। तो सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे लगा रहे थे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाकर I1 का वैल्यू बताना, I2 को बताना और I3 का बताना, और टोटल I का वैल्यू बताना है। ठीक है, कि क्या होगा, और जो I होगा वही अमीटर का रीडिंग होगा। ठीक है, क्योंकि ये I जा रहा है यहाँ से मेन सर्किट से। अब ये देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि आर ए बी क्या होगा, आर ए बी। ठीक है, आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पे R इक्विवेलेंट भी लिखा रहता है, कहीं R रिजल्टेंट भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको बताइएगा। यहाँ पे भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का ही है, सभी का 1-1 ओम दिया हुआ है, R A B का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये भी दोनों क्वेश्चन बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कि आंसर क्या है। ठीक है, और बाकी जो भी आपके पास बुक है